Hello friends, welcome to our channel DietyPie. Please subscribe to support and please click on bell icon for it. इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इयररिंग्स। मैं पूरा प्रोसेस एक के बाद एक बताऊंगी ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो बनाने में। इस वीडियो में पहले ले लेते हैं एक आईपिन। आईपिन में दे देंगे एक 6 एमएम और एक 10 एमएम एक से 5। इसके बाद और एक आईपिन में एक 5 एमएम एक 8 एमएम एक से और एक 5 एमएम पल्स दे देंगे। इसी तरह से दो बना लीजिए। इसके बाद ज्वेलरी मेकिंग वर्ड यूज करेंगे। इसमें दे देंगे 7 पीस 6 एमएम और 8 पीस 14 एमएम। उसके बाद फिर से 7 पीस 6 एमएम पल्स दे देंगे। If you like this video, please click on like button. इस वेयर को राउंड शेप में दे दीजिए। राउंड शेप देने के लिए मैंने यूज किया है फैब्रिक ग्लू बॉटल। इसके बाद एक आई पिन लेके वेयर की दोनों तरफ को ऐड कर देंगे। सुंदर दिखाने के लिए मैंने इस आई पिन में एक फ्लावर शेप मोती दे देंगे। आई पिन ऐड करने के टाइम पहले से बनाया इन दोनों को दोनों साइड में अटैच कर दीजिए। अब इन दोनों को जाम फ्रेम की मदद से ऐड कर दीजिए। ऐड करने के टाइम ईयर हुक भी लगा देना। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड पहले नायलॉन थ्रेड में एक 14 एमएम पल्स और 5 पीस 6 एमएम पल्स देके एक गांठ दे देंगे। अब नीडल को 14 एमएम पल्स में से निकल लीजिए। इसके बाद 5 पीस 6 एमएम पल्स दे दीजिए। अब अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। अब लेते हैं 76 एमएम ऑफवर्ड पल्स। फिर से टाइट कर लेते हैं। अब दे देंगे 15 पीस 6 एमएम ब्राउन पल्स। If you like this video, please click इस वीडियो में पहले एक स्क्वायर शेप कैनवस शीट काट लेते हैं। कैनवस शीट को मैंने 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर में काट लिया है। अब इसमें डिफरेंट कलर ऑफ बॉल चेन्स फेविक्रिल ग्लू के द्वारा ऐड करते रहेंगे। ये एक बहुत ही इजी प्रोसेस है इयररिंग बनाने का, लेकिन दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। स्क्वायर के ऊपर की दोनों साइड में स्टोन चेन लगा देंगे और भी सुंदर दिखाने के लिए। अब
फेविक्विक ग्लू की मदद से ईयर स्टड को अटैच कर देंगे। Like this video. पहले तीन सेट में ले लेते हैं, तीनों में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर पर्ल्स यूज कर लेते हैं। तीनों में से एक सेट में मैंने बड़ा साइज का लिया है। बड़ा साइज सेट में पे मैंने लिया है 4 पीस 6 mm ऑफ व्हाइट पर्ल्स और दोनों में 3 पीस करके 6 mm पर्ल्स दिया है। इन तीनों को जंप रिंग यूज करके ऐड कर लेते हैं। जंप रिंग में एक 10 mm पर्ल्स ऐड कर लेंगे। इस 10 mm पर्ल्स इस 10 mm पल्स में आई पिन यूज किया है। अब ईयर हुक ऐड कर दीजिए। सभी सेंटीमीटर के नीचे की तरफ से 10 mm पल्स ऐड कर देंगे। इस वीडियो में पहले एक आई पिन में 10 mm पल्स ले लेते हैं। फिर से और दो आई पिन को दोनों तरफ से ऐड कर देंगे। एक आई पिन में दे देते हैं 5 mm पल्स 6 पीस। उसी तरह से दूसरी आई पिन में भी 6 पीस 5 mm पल्स दे दीजिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन। इन दोनों को जंपिंग की मदद से ऐड कर देंगे। इसके बाद एक 10 mm पल्स में ग्लू गन यूज करके ईयर स्टड लगा दीजिए। उसके बाद ईयर स्टड लेके जंपिंग में दे दीजिए। रेडी हो चुका है हम लोगों का इजी बट ब्यूटीफुल ईयर रिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा।